व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान। एंड गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे बाइसेप मसल को लेके, कि जब हम हमारे बाइसेप को सिंगल ट्रेन करते हैं, सिंगल मसल की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारे बाइसेप के लिए, तो हम उसको किस तरह से ट्रेन करेंगे और हमारे इस मसल में हम किन किन एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करेंगे कि जिससे हमारा जो बाइसेप है वो अच्छी तरीके से टारगेट हो जाए हमारा मसल, और एक अच्छा ब्रेकडाउन हमको हमारे मसल में देखने को मिले कि जब हम रेस्ट और अच्छा सा न्यूट्रिशन दें तो रिकवर होकर हमारे मसल्स का साइज इंक्रीज हो जाए। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको बाइसेप से रिलेटेड जितनी भी इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है जो आपको आपके बाइसेप वाले वर्कआउट रूटीन में ऐड करना होता है वो सारी बताने वाला हूँ। आज हम वर्कआउट कर रहे हैं हमारे बाइसेप के लिए, तो आपको क्या करना है, जो भी मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ उसके आपको 3-3 सेट लगाने हैं, और रेप रेंज आप रखोगे 12-15 या 10-15 भी लगा सकते हो, और सही फॉर्म और सही टेक्निक में आपको वर्कआउट को परफॉर्म करना है। और मैं आपको एज ए डेमो कि फॉर्म टेक्निक क्या होना चाहिए, इसलिए आपको एक एक सेट और कुछ रिपीटेशंस लगा के बता रहा हूँ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे बाइसेप वाले रूटीन में। हमारी जो पहले नंबर की एक्सरसाइज है या जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी बारबेल कर्ल। इसको किस तरह से करना है, आपको इस तरह से जिगजैग बार ले लेना है, साइड से बता देता हूँ ताकि आप पोजीशन अच्छे से देख सको। आपको बार लेना है और आप इसके बीच का डिस्टेंस कितना रखोगे, और एक चीज इसमें कि दो तीन चीजें देखने को मिलती है जिमों में कि बहुत सारे लोग पासो पकड़ के लगाते हैं, फिर वाइट पकड़ के लगाते हैं, तो आपको ये सब चीजें फॉलो नहीं करनी है। आपको बेसिक जो रूटीन होता है वो फॉलो करना है, क्योंकि हम अच्छे से एक्सरसाइज करने वाले हैं और हैवी वेट लिफ्ट करने वाले हैं और सही फॉर्म और सही टेक्निक करने वाले हैं, तो आप फालतू किसी चीजों पे ध्यान ना दें। जो नेचुरल जो पोजीशन होती है वो पोजीशन कैसे होगी दिखा देता हूँ मैं आपको। सपोज अभी आप खड़े हो तो आपके हाथ नॉर्मल पोजीशन में कहाँ है, यहाँ इस पोजीशन में, तो आपको हाथों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी नॉर्मल ही रखना है, कि अभी जहाँ मेरे हाथ है मैं नॉर्मल खड़ा हूँ तो मेरे हाथों के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है, सेम उसी डिस्टेंस पे आपको ग्रिप करना है सीधा आपके शोल्डर की लाइन में। ये जो आपका हाथ है ये आपके शोल्डर से नेचुरल पोजीशन में, और ये आपका हाथ यहाँ है और ये भी हाथ यहाँ है, तो इतना आप डिस्टेंस लेके आप आपकी जो बारबेल कर्ल है या इसके बाद में जो भी आप डबल कर्ल लगाएंगे उसको लगाओगे तो ये बिल्कुल सही पोजीशन होती है। ना आपको बहुत ज़्यादा पास रखना है, ना बहुत ज़्यादा वाइड रखना है, आप नॉर्मल जो नेचुरल पोजीशन होती है उसमें लेके आपके बाइसेप को ट्रेन करें। तो ये मैंने नॉर्मल पोजीशन में बार को ग्रिप किया है। अब मेरी एल्बोस को मैंने एक जगह फिक्स कर दिया है, यहां से अब मैं क्या करूंगा, ये जो बार है इसको मैं चेस्ट तक लाने की कोशिश करूंगा इस तरह से, और मेरी एल्बो एक ही जगह रहेगी, और जब आप ऊपर उठाओगे बार को तो आपको मसल को स्क्वीज करना है, एंड ब्रीद आउट करेंगे आप एंड स्लो डाउन। जब आप नीचे लाओगे तो आपको ऐसा टच नहीं करना है थाई पे, आपको कंटिन्यू टेंशन बना के रखना है आपके मसल पे, तो आप बार को हल्का सा आगे रखोगे, देन यहीं से आप क्या करोगे इसको पुल करोगे इस तरह से, एंड ब्रीद आउट स्लो डाउन। और जब आप ये वर्कआउट को परफॉर्म करोगे या इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आप क्या करोगे, आपकी एल्बो को आप बिल्कुल फिक्स रखना है, आगे पीछे आपको नहीं करना है। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज हो जाती है कि आप बारबेल से या इजेड बार से आप बाइसेप को कैसे ट्रेन करोगे। तो मैंने आपको पहली एक्सरसाइज बता दी है कि हमको बारबेल कर्ल करना है, इसके 3 सेट लगाने हैं, रेफरेंस आप आपके हिसाब से 12-15 या 10-15 रख सकते हो। सो गाइज, ये है एडजस्टेबल बेंच, इसमें मैंने इंक्लाइन जो एंगल होता है वो एंगल होता है आपका 45 डिग्री 250 डिग्री, तो आप 45 डिग्री या 50 डिग्री पे आपकी जो एडजस्टेबल बेंच होती है उसको उसके एंगल को सेट कर लें, और एंगल सेट करने के बाद में इस पे हम हमारे बाइसेप को किस तरह से ट्रेन करेंगे, आपको नॉर्मल इस पोजीशन में लेट जाना है। इस पे ट्रेन करने से क्या होता है, आपकी जो एल्बोज होती है वो नॉर्मल हो जाती है और आपके जो शोल्डर्स होते हैं वो भी न्यूट्रल पोजीशन में हो जाते हैं, तो आप किसी भी तरह का मोमेंटम आपके शोल्डर से नहीं लेते हो, और जो प्रॉपर लोड आना चाहिए आपके बाइसेप पे वो आता है, तो इसलिए हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपके बाइसेप के लिए डंबल से। तो मैं आपको लगा के बताता हूँ कि इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। आपको इस तरह से डंबल रखना है, आपके शोल्डर को नॉर्मल रख देना है, एल्बो एक जगह फिक्स कर देना है, तो आप यहां से क्या करोगे, आप सीधा डंबल्स को ऊपर उठाओगे इस तरह से, एल्बो में कोई मूवमेंट नहीं होगा, जब ऊपर उठाओगे मसल को स्क्वीज करोगे एंड ब्रीद आउट एंड स्लो डाउन। जब नीचे लेके आप आओगे इसको तो आपको एल्बोस को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं करना है, हल्का सा लॉक रहेगा, और यहीं से सीधा आप एंड स्लो डाउन। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है
सही फॉर्म और सही टेक्निक में और मॉडरेट वेट का आप लें, ताकि आपकी एल्बोज में ज़्यादा मूवमेंट ना हो या बहुत ज़्यादा आपकी एल्बो आगे पीछे ना हो। सही फॉर्म में आपको करना है वर्कआउट को। तो ये थी आपकी सेकेंड नंबर वाली एक्सरसाइज जो थी इंक्लाइन डंबल कर्ल। अब इसके बाद में हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी डंबल कर्ल, खड़े होकर लगाना है आपको। और आप क्या करोगे, अल्टरनेट करके लगाओगे, आपको डंबल्स को घुमाना है। इसको बोलते हैं कर्लिंग, जो मैं अभी लगा के बता रहा हूँ। तो ये है आपकी स्टैंडिंग पोजिशन में आप लगा रहे हो डंबल कर्ल। अब यहाँ से क्या करोगे, हम सिंगल सिंगल लगाएंगे, पहले ही साथ से फिर ही साथ से। ये आपने डंबल ऐसा रखा हैमर पोजिशन में, और आप यहां से क्या करोगे, सीधा डंबल को कर्ल करते ऊपर लेके आओगे, एल्बो एक ही जगह रहेगी एंड स्लो डाउन, और वापस से रिटर्न ले जाओगे उसी पोजीशन में। फिर यहां से ये वाला डंबल इस तरह से अल्टरनेट चलेंगे डंबल आपके, जिस पोजीशन में आप कर्ल करके ऊपर लेके आओगे उसी पोजीशन में कर्ल करके आपको नीचे भी ले जाना है इस तरह से। तो ये जो एक्सरसाइज है ये है आपकी स्टैंडिंग डंबल कर्ल। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, और इसका जो फॉर्म रहेगा वो भी वैसा ही रहेगा। आपको बाइसेप की कोई भी आप एक्सरसाइज करो, आपको आपकी एल्बो को एक जगह फिक्स करना है। जब आप इसको लगा रहे हो तो आपको आगे पीछे नहीं करनी है अपनी एल्बोस को, ना ही आपको इतना ज्यादा वेट लेना है कि आपको बॉडी से मोमेंटम लेना पड़े या आप शोल्डर का यूज करने लग जाओ उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में। सो गाइस, थर्ड नंबर वाली एक्सरसाइज जो आपकी स्टैंडिंग डंबल कर्ल है, उसके बाद हम बनाएंगे फोर्थ नंबर वाली एक्सरसाइज, ये हमारी केबल कर्ल। इसको किस तरह से परफॉर्म करना है, आपको सिंगल हैंडल लगा देना है, वेट आप मॉडरेट रखेंगे, लाइट वेट, ज्यादा लाइट भी नहीं, मीडियम वेट रखना है आपको मॉडरेट। और आपको क्या करना है, आप सीधे स्ट्रेट रहेंगे और एल्बो हल्का सा बेंड करेंगे। एल्बो को आपने एक जगह फिक्स कर लिया, अब आपके एल्बो को कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मूवमेंट से मेरा मतलब आगे पीछे नहीं जानी चाहिए आपकी एल्बो, आपको नीचे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना है हाथ को, एल्बो हल्का सा बैंड करना है, और यहीं से फिर आप क्या करोगे, ऊपर पुल करोगे इस तरह से, देन स्लो डाउन। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपकी चार एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं हमारी पांचवी एक्सरसाइज की तरफ। सो गाइस, ये है प्रीचर बेंच, इस पे हम लगाएंगे डंबल कर्ल। किस तरह से करना है बता देता हूँ आपको, मैं डंबल से लगा के बता रहा हूँ, आप बारबल से भी लगा सकते हो। सिंगल आपको डंबल लेना है, और आपके शोल्डर की लाइन में आपके हाथ को रखोगे, ना ज्यादा अंदर की साइड होना चाहिए ना ज्यादा बाहर की साइड, ये आपने रखा। और डंबल को आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना है, हल्का सा लॉक कर दिया यहाँ पर, ये आपकी एल्बो बेंड है, लॉक हो गई। अब यहाँ से क्या करोगे, आप सीधा इसको ऊपर उठाओगे इस तरह से, एंड स्लो डाउन उसी पोजीशन में। और जब नीचे लेके आओ तो भी इसको पूरा खोलना नहीं है, हल्का सा लॉक रहेगा इस तरह से। और जब ऊपर आप उठाओगे तो मसल को स्क्वीज करना है आपको, फील होगा आपको, एंड ब्रीद आउट। सेम वैसे ही हम दूसरे हाथ से लगाएंगे, दोनों डंबल हम एक साथ में कैसे उठाएंगे ऊपर, किस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। मैंने एल्बो फिक्स कर दी, मैंने एल्बो एक जगह फिक्स कर दी है। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर पुल करूंगा और मसल को स्क्वीज करूंगा, एंड ब्रीद आउट, स्लो डाउन। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी रिवर्स बारबेल कर्ल। उसको किस तरह से करना है वो भी देख लीजिए।
ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी हमारे बाइसेप वाले वर्कआउट रूटीन में। आपको सेम वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पोजीशन बताई थी कि आपके हाथों की जो नॉर्मल पोजीशन होती है उतना डिस्टेंस आपको हाथों के बीच में रखना है। ये मैंने ग्रिप किया, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एल्बो हल्की सी बेंड करूँगा और एल्बो एक जगह फिक्स करूँगा, मसल को स्क्वीज करूँगा एंड रिवर्स पुल करते हुए इसको चेस्ट तक लेके आऊंगा। इस तरह से मसल स्क्वीज किया, ब्रीथ आउट एंड स्लो डाउन उसी पोजीशन में। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है और जिस सीक्वेंस में मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है उसी सीक्वेंस में आपको इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। सबके तीन तीन सेट लगाने हैं, रेफरेंस आप 10 to 15 या 20 to 15 रखोगे और मॉडरेट वेट लेके सही फॉर्म और सही टेक्निक में आपको इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और गाइज हम हमारे बाइसेप को तो ट्रेन कर लेते हैं या हम ट्राइसेप को भी ट्रेन कर लेते हैं। आज मैं बाइसेप की बात कर रहा था, बाइसेप का ही जिक्र करूंगा, बाइसेप को ट्रेन कर लेते हैं लेकिन हम हमारे फोरआर्म्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आपके फोरआर्म्स की भी एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो जाकर उसे चेक करें। और गाइस हम बाइसेप में क्या क्या गलती करते हैं बाइसेप लगाते टाइम, उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो उसको भी जाकर चेक करें। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।